ताइवान ने एक ऐसा ऐलान किया है भारत को लेकर जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ताइवान ने कहा है कि हम भारत में भेजेंगे भर भर कर ICT। अब इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है? तो वहीं दूसरी तरफ UK चुनाव में भारत एक बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूनाइटेड किंगडम में गुरुवार को होने वाले आम चुनावों से पहले प्रचार अभियान अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। इस चुनाव में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ऋषि सुनक की अगुवाई वाली कंजर्वेटिव पार्टी को 14 साल बाद सत्ता से बेदखल होना करीब करीब तय माना जा रहा है। 43 साल के ब्रिटिश भारतीय नेता ऋषि सुनक लेबर पार्टी के स्टार कैंपनर किर स्टार्मर से मुकाबला कर रहे हैं और माना जा रहा है कि किर अगले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आगामी UK चुनाव को लेकर मचे शोर शराबे के बीच एक बात जो राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दोनों पक्षों में प्रमुख बनी है और वो है भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता, जिसमें दोनों देशों के बीच के कारोबार को 38 अरब पाउंड तक द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को बढ़ाने का समझौता भी शामिल है। दोनों ही पार्टियों के लिए भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एजेंडा सबसे ऊपर है। चाहे चुनाव का नतीजा स्टार्मर की लेबर पार्टी के पक्ष में जाए या ऋषि सुनक के टोरीज पार्टी के पक्ष में जाए, भारत और UK के बीच FTA वार्ता जनवरी 2022 में शुरू हुई थी, जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिवाली 2022 तक FTA को फाइनल करने का डेडलाइन तय कर दिया था। उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर काफी तेजी से बात बढ़ी, लेकिन समय सीमा से पहले ही बोरिस जॉनसन को घरेलू राजनीति की वजह से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद से FTA लटका हुआ है। ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली टोरी सरकार के तहत कोई नई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, लेकिन दोनों ही देशों की सरकार 2024 में होने वाले चुनाव से पहले इस डील पर साइन करना चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अब जबकि 4 जुलाई को UK में इलेक्शन होने वाला है और ज्यादा संभावना ऋषि सुनक के सरकार की विदाई को लेकर है, तो सवाल ये उठते हैं कि नई लेबर पार्टी के सरकार आने के बाद फ्री एग्रीमेंट का क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापार समझौता करने के लिए कड़ी मेहनत इन्होंने करी थी, दोनों प्रतिनिधि भी मिले थे। दोनों नेताओं ने पिछले साल नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को तेज करने पर सहमति जताई थी, ताकि भारत के आम चुनाव से पहले इस पर हस्ताक्षर किए जा सके। लेकिन इस साल ऋषि सुनक ने अचानक से UK में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी और दोनों देशों के बीच बातचीत रुक गई। इस बीच भारत में भी चुनाव की घोषणा हो गई। भारत और UK ने FTA पर 13 दौर की वार्ता की और 14वें दौर की वार्ता इस साल जनवरी में शुरू हुआ था, जिसमें लोगों की आवाजाही और कुछ वस्तुओं का आयात शुल्क में छूट सहित कुछ विवादास्पद मुद्दों पर मतभेदों को दूर करके इसे अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे थे। समझौते में 26 अध्याय हैं, जिनमें माल, सेवाएं, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल है। भारतीय उद्योग UK के बाजार में IT और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में अपने प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा पहुँच की मांग कर रहा है। इसके अलावा कई वस्तुओं के लिए शून्य सीमा शुल्क पर UK के बाजारों पर पहुँच की मांग है। दूसरी ओर UK की मांग स्कॉच विस्की, इलेक्ट्रिक वाहन, भेड़ के मांस, चॉकलेट, कुछ कन्फेक्शनरी वस्तुएं जैसे सामानों पर आयात शुल्क में महत्वपूर्ण कटौती है। कंजर्वेटिव पार्टी के घोषणा पत्र में ब्रिटिश भारतीय नेता ऋषि सुनक के नजरिए को साफ करते हुए कहा गया है कि हम भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे, साथ ही टेक्नोलॉजी और डिफेंस पर गहन रणनीतिक साझेदारी भी करेंगे। 4 जुलाई को होने वाले चुनाव में ऋषि सुनक की हार करीब करीब तय मानी जा रही है और अगर ओपिनियन पोल्स के मुताबिक नतीजे आते हैं तो फिर देश में लेबर पार्टी की सरकार बनेगी, जिसका पुराना कार्यकाल भारत को लेकर बहुत अच्छा नहीं था। लेबर पार्टी ने अक्सर पाकिस्तान के समर्थन में स्टैंड लिया है, लेकिन लेबर पार्टी ने आक्रामक तरीके से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी समर्थन किया है। लेबर पार्टी इस बात पर ध्यान दे रही है कि वे भारत के साथ FTA को कैसे फाइनल करेंगे। लेबर पार्टी के नेताओं ने कई मौकों पर ऋषि सुनक सरकार पर अभी तक FTA नहीं होने को लेकर निशाना साधा है। लेबर पार्टी ने कहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी ने दिवाली 2022 की समय सीमा को पूरा नहीं किया है। लेबर पार्टी की छाया विदेश सचिव डेविड लेमी ने पिछले हफ्ते लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम में अपने संबोधन में कहा कि कई दिवाली बिना किसी व्यापार समझौते के गुजर गई और बहुत से व्यवसाय इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और व्यापार मंत्री गोयल को मेरा संदेश है कि लेबर पार्टी FTA पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हम जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौता पूरा कर आगे बढ़े। लेबर पार्टी
पार्टी की घोषणा पत्र में भारत के साथ नई रणनीतिक साझेदारी का भी जिक्र किया गया है, जिसमें FTA के साथ साथ डिफेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग गहरा करने की बात कही गई है। वैसे कहा जा रहा है कि भारत के साथ संबंधों को लेकर डींग ज्यादा हाकी गई है। भारत के साथ पहले भी लेबर पार्टी के अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं और इनका झुकाव ज्यादातर रहा है पाकिस्तान के प्रति। ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में भले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए साइन, क्योंकि उन्हें अपना भी प्रॉफिट दिख रहा है, पर बाकी मुद्दों में भारत के लिए कोई ज्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा बहुत जोर शोर की हो रही है। जब भारत ने शुरुआती दौर पर शुरू किया था ताइवान के साथ रिश्तों को मजबूत करना, तब कई तरह की चीजें होने लगी थी। एक कार्टून उस समय बहुत चर्चित हुआ था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कि मिल्क टी अलायंस, हिंदी ताइवानी भाई भाई और ट्वीट फॉर ताइवान, ये चीजें दिखलाई गई थी पीएम मोदी एक तरफ और दूसरी तरफ इनकी जो पूर्व राष्ट्रपति थी उनको दिखलाया गया था। पर अब ऐसा लगता है कि भारत और ताइवान के संबंध एक अलग लेवल पर पहुंच रहे हैं। भारत के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान और चाइना का टेंशन अभी भी वैसा ही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, एक फिशिंग वेसल्स को चाइना ने कब्जे में ले लिया है और चाइना के कोस्ट गार्ड इसे अपने कब्जे में ही रख रहे हैं, जिस पर नाराज ताइवान ने इनसे मांग की थी कि आप हमें लौटा दो, पर अभी तक लौटाया नहीं गया है और ये टेंशन अभी यहाँ पर लंबे समय तक चलेगा, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है। जब पिछली बार ऐसा लगा था कि ताइवान में घुसपैठ करने जा रहा है, तब ताइवान ने एक बात कही थी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ताइवान की कंपनी TSMC ने कहा था कि हम रिमोटली यानी दूर बैठे चीजों को शट डाउन कर दें। क्यों कहा था? क्योंकि TSMC और ताइवान की कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बेहद खास है और इस खास टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता होगा चाइना। TSMC और ये कंपनियां चाहती नहीं है कि किसी भी तरीके से उनके हाथ से ये चीजें फिर चाइना के हाथ में चली जाए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, सबसे अच्छी सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आती है 2nm का प्रोडक्शन और TSMC दुनिया की सबसे बेहतरीन सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। तो TSMC का महत्व आप समझ ही सकते हैं। अब यहाँ पर ताइवान ने भारत के साथ बड़ा ऐलान किया है। ताइवान एक्सीलेंस लगातार 7वें साल ताइवान एक्सपो इंडिया 2024 में अपना पवेलियन लगाने जा रहा है। ये एक्सपो 8 से 10 जुलाई को दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित होगा। उम्मीद है कि ये आयोजन काफी बड़ा होगा। ताइवान एक्सीलेंस विभिन्न सेक्टर्स में अपने प्रमुख आविष्कारों और उन्नत टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। ताइवान ने ये घोषणा की है कि हम भारत में ज्यादा से ज्यादा ICT भेजेंगे, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एडवांस लेवल, ऐसी कंपनियां और ऐसी टेक्नोलॉजी जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।